दोस्तों, अगर आपकी LIC पॉलिसी की पॉलिसी टर्म पूरी होने वाली है तो मैच्योरिटी राशि लेने के लिए आपको फॉर्म नंबर 5180/3825 भरना होगा। यह एक सिंगल पेज का फॉर्म है जिसमें पेमेंट के लिए आपके बैंक की डिटेल मांगी जाती है। इसके साथ ही आपको अपना ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी और जिस बैंक में आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि पाना चाहते हैं उसका एक कैंसिल चेक देना होता है। ध्यान रहे कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट पॉलिसी मैच्योरिटी की डेट से पहले ही अपनी होम ब्रांच में जमा करा दें ताकि जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि तुरंत आपके अकाउंट में आ जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।